नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। झारखंड आयुष सीएचओ का मास्टर सीट निकल चुका है, एक तरह से कहें तो यह एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही है। जिस तरह से काउंसलिंग हुई और बहुत तेजी के साथ यह मास्टर सीट तैयार किया गया, आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 137 आयुष सीएचओ का यह मास्टर सीट तैयार हो चुका है। और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर की बात करें, जो मैक्सिमम स्कोर है वह है 39.32, जिनका कि इसमें फर्स्ट रैंक आया है। ये सभी जो आयुष सीएचओ हैं, ये पूर्व में जो वैकेंसी निकली थी आयुष सीएचओ की झारखंड में, उसमें जो वेटिंग लिस्ट में थे उन्हीं का है। और 84 कंट्रेक्चुअल आयुष चिकित्सक इसमें चुने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 137 आयुष सीएचओ को यह मेरिट लिस्ट निकाला गया है। एक तरह का आप देख सकते हैं कि इसमें 39.32 फर्स्ट रैंक वाले का है, और मिनिमम जो 137 रैंक जिनका आया है वो है 30.34। तो यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आपको देखने में लग रहा होगा कि मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें कुल जो है 84 कंट्रेक्चुअल आयुष सीएचओ की नियुक्ति होगी। इसी के मास्टर सीट से निकलेंगे विद्यार्थी। और यह मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज अब देखिए किस तरह से अरेंज होकर किन जिन जिन का भी इसमें नाम है वो अब आस लगाए बैठे होंगे। 2 से 3 दिन में मुझे जिस तरह से लग रहा है आप लोगों का मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। 84 कुल आयुष चिकित्सकों की इसमें एज ए सीएचओ उनकी नियुक्ति होगी, जो झारखंड सरकार में विभिन्न जगहों पर काम करेंगे। तो यह एक अच्छी खबर है कि बहुत जल्द आयुष निदेशालय ने 84 कंट्रेक्चुअल सीटों पर आवेदन लिए और उसे फिर रद्द करके जो वेटिंग लिस्ट में लड़के थे, विद्यार्थी थे, कैंडिडेट्स थे, उनको बुलाया गया और फिर इस वैकेंसी को बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसी आशा के साथ अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर जो प्रश्न बड़ी है वह यह है कि आगे जो 84 कंट्रेक्चुअल आयुष में फॉर्म फिलअप किया था, 1000 रुपया प्रति कैंडिडेट का लगा था, अब उनके साथ आगे की वैकेंसी में किस प्रकार से उनको राहत मिलेगी, या इसी आवेदन को पुनः मानकर उन्हें आवेदन का छूट दिया जाएगा, इन सारी बातों का अब आगे जब वैकेंसी निकलेगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।